हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी UIMS लॉगिन के बारे में जानेंगे। यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक लॉगिन मिलता है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स नहीं है और किस तरह से हम इस फीचर्स का उपयोग करें, उसके बारे में अगर जानना है आपको तो ज़रूर देखें। और हम कहेंगे कि अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले लॉग ऑन हो जाते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं वेबसाइट को। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लॉग इन हो जा रहा हूँ। लॉग इन होने के बाद ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में लोगो रहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल रहता है, नेम रहता है, और यहाँ पे होम सेटिंग, और उसके बाद नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंस लिंक रहता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इम्पोर्टेंस लिंक दिखेगा। यहाँ पे फी पेमेंट सेमेस्टर का दिखेगा। उसके बाद लाइव CU का लाइव वीडियो सब अगर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये रैंकिंग का है, ये हम डिस्टेंस के लिए उतना में ये नहीं है। और ये है माई यूनिवर्सिटी मेल, यानी कि आप लोगों को बता दें कि यूनिवर्सिटी के तरफ से एक आउटलुक मेल मिलता है जो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है फर्स्ट टाइम। तो इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी रहता है, उसके बाद पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, और नीचे लिंक दिया रहता है। इस लिंक पर गो थ्रू करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम कि आउटलुक कॉन्फ़िगर कैसे करें तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, हमारे चैनल से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब नीचे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज रहता है। इम्पोर्टेंट मैसेज में आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से रेगुलर देता रहता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर एक देख सकते हो कि जो बुक हमने मंगाया था SLM, वो 8 जून 2022 को पोस्ट कर दिया गया था। यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी भी है, इस तरह से दिखेगा। उसके बाद नीचे है यहाँ पे माय IDOL क्वेश्चन और क्वेरीज। जब आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज रहता है तो यहाँ से डिस्प्ले होता है। वो कैसे जनरेट करे, क्वेरीज कैसे क्रिएट करे, वो हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि सपोर्ट टिकट कैसे जनरेट किया जाए किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप वेट कीजिए, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर नीचे अनाउंसमेंट ऑल रहता है, यानी कि जितने भी अनाउंसमेंट सेक्शन है वो इसी के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पे फी पेमेंट शेड्यूल, ये सेकेंड सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर के लिए है। एक है फर्स्ट सेमेस्टर लर्नर के लिए, जो सेप्टेम्बर जुलाई बैच के हैं उसके लिए 20 अक्टूबर का अनाउंसमेंट हुआ था कि उनका जो है पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम जो है 7 नवंबर से 14 जनवरी तक स्टार्ट होने वाला है, जो वीकेंड डे पे रहेगा। इस तरह का बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो यहाँ तक आपने जान लिया। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड। इस पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे डिटेल दिखेगा, यानी कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सब डॉक्यूमेंट अपलोड है लेकिन ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको बता दें कि जैसे कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी मेरा अपलोड है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, जबकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी उसी तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है। आप देखे भी होंगे कि जब आपको ये क्रेडेंशियल मिलता है तो वहाँ लिखा रहता है कि किसी तरह का डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड करना रहा है तो वहाँ नहीं करना है, आपको मेल ही कर देना है। तो मैंने मेल भी कर दिया था यूनिवर्सिटी को, तो इसको इग्नोर करना है, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके बाद है फी पेमेंट। तो फी पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो फी पेमेंट से रिलेटेड जैसे यहाँ भी क्लिक करोगे तो यही आएगा। यहाँ पर पेंडिंग सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेमेस्टर फी तो यहाँ पे जीरो दिख रहा है, लेकिन SLM जो ऑफलाइन है वो यहाँ पे 1500 पेंडिंग दिख रहा है। और जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 1500 पेंडिंग है। लेकिन आपको बता दें कि एडमिशन के टाइम में हमने सेमेस्टर और SLM का पेमेंट कर दिया था, जो कि बुक भी मुझे मिल गया है, लेकिन यहाँ फिर भी पेमेंट दिखा रहा है। तो इसे इग्नोर करना है, इसे पेमेंट किसी को नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी कर दिया था, तो इसको इग्नोर करना है, ये भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद है आईडी कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी कार्ड यहाँ पे बोलता है डाउनलोड आईडी कार्ड,
और यहाँ पे जो आईडी कार्ड है ये व्यू दिख रहा है, तो इस डाउनलोड करेंगे तो वैसे ही डाउनलोड हो जाता है। इसको आप प्रिंट करके आईडी कार्ड आप बनवा सकते हो, जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ये ज़रूरत पड़ता है। फिर नीचे आता है माई कोर्स, माई कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट फोन दिख रहा है, क्योंकि अभी LMS में दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माई रिसिप्ट, अब माई रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा कि आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम आपने पेमेंट किया था तो वो रिसिप्ट आपको यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 27 मई 2022 को हमने पेमेंट किया था, तो यहाँ पे 27 मई डेट दिख रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड करके ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेमेस्टर फी रहता है, और एक दो मेरा मैंने बुक भी लिया था SLM, तो वो भी 1500 का है। अगर आपने पेम बुक नहीं लिया था तो केवल एक ही दिखेगा। तो यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। और आपका एक क्वेश्चन भी है कि आपने बोलते थे कि अकाउंट क्या होता है, यूनिवर्सिटी अकाउंट या लर्नर अकाउंट, तो यहाँ पे इसी फी MN फी रिसिप्ट में रहता है, और उसी को जब आप रिफंड लेते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वो अकाउंट, तो आप वो डिटेल आप पॉलिसी देख करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ से रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन एंड क्वेरीज, यानी कि अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन या क्वेरीज के रिलेटेड अगर जानना है तो इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक क्रिएट क्वेरीज है, एक माई क्वेश्चन क्वेरीज। तो माई क्वेश्चन क्वेरीज तब रहता है जब आपने कोई क्वेरी क्रिएट किए रहते हैं तो उसका स्टेटस यहाँ से दिखता है। फिलहाल कैसे क्रिएट किया जाए उस पर क्लिक करते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ जानना है, या फिर आपका लॉगिन में प्रॉब्लम आ गया या कुछ शो नहीं कर रहा है, वो सारे डॉट को यानी कि जो क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी से पूछना है, तो आपको सबसे बेटर आपको बता दें कि सपोर्ट टिकट फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। सपोर्ट टिकट यानी क्या, आपको सपोर्ट चाहिए और आपने एक सपोर्ट टिकट जनरेट करते हैं, और फिर वो उसका आंसर आपको एक निश्चित समय के अंदर यूनिवर्सिटी के तरफ से मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा सिस्टम है ये। तो आप मेल तो करते हैं, आप ग्रुप में पूछते हैं कहीं, लेकिन अगर आपको मैनर कोई इशू है तो यहाँ से आप जनरेट कीजिए आप अपने लॉगिन से। यहाँ पे आपका सारे डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, किस सेमेस्टर के हो, क्या मोबाइल नंबर है, पूरा नेम। फिर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका क्वेरी क्या है, एडमिशन से रिलेटेड है क्या, अकाउंट फीस से LMS से रिलेटेड क्वेरी है क्या, एकेडमिक एग्जामिनेशन SLM असाइनमेंट रिजल्ट, ऐसे वेबसाइट में कहीं दिक्कत आ रहा है क्या। तो मान लीजिए कि आपको LMS से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने LMS सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और फिर यहाँ पे डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है डियर सर, ऐसे करके जो भी आपका डिटेल है वो आपको डिटेल में लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ से मोबाइल से या फिर ईमेल आईडी से वेरीफाई OTP कर लेना है, और फिर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका जनरेट हो जाता है क्वेरी, और फिर यहाँ पे माय क्वेरी सेक्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे शो करता है कि आपने जो टिकट जनरेट किया था उसका स्टेटस क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने टिकट जनरेट ही नहीं किया था कभी, ये हो गया। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे देखें, जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे देते हो तो रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे फाइनल जैसे कि रिजल्ट है वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये अकाउंट है तो अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट नोट डिक्लेयर करके मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया। अब चलिए हम फिर से आप होम टैब पे आते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो दिखाते हैं कि और क्या क्या है इस लॉगिन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे क्लिक करके आपका जो पर्सनल डिटेल है, आपका नेम क्या है, पूरे एक डिटेल्स यानी फैमिली डिटेल या एजुकेशन डिटेल, यानी जितने डिटेल एडमिशन के टाइम में आपने दिया था वो सारे डिटेल आपके प्रोफाइल में दिखेगा। तो क्लिक करके आप देख सकते हो, जैसे कि आप इस पे क्लिक करके और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे ओपन हो रहा है, जितने भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिटेल यहाँ पे देखना है कि आपका सब करेक्ट है क्या। अगर नहीं करेक्ट है
तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि सपोर्ट टिकट जनरेट करने का, तो वैसे जनरेट करके आप टाइम टू टाइम जो भी है वो आप करेक्शन करवा लीजिए। ये एक बार आप वेरीफाई ज़रूर करें अपना डिटेल, क्योंकि यहाँ जो डिटेल रहेगा वही आपके मेन सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आएगा। फिर हम यहाँ से होम टैब पे क्लिक करके ऊपर होम टैब पे आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इस लॉगिन का पासवर्ड चेंज करना हो तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन हो, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड यानी अभी जो यूज कर रहे हैं वो डालना है, न्यू पासवर्ड, री पासवर्ड, और किस तरह से होना चाहिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नीचे दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते ही पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर लॉगिन में सारे फैसिलिटीज देख लिया है यहाँ पे, और एक फैसिलिटीज है LMS। अभी आपको ये लर्निंग करना हो तो यहाँ पे लर्न मोर दिया है, LMS पे गो थ्रू करना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, न्यू LMS पे यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे LMS लॉगिन का जो होम टैब है वो खुल गया है। और यहाँ से लॉगिन करके हम गो थ्रू कर सकते हैं और अपना लर्निंग कर सकते हैं। तो आपने आज UIMS लॉगिन के बारे में डिटेल से जाना। अगर आपका कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है या सजेशन तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू है तो, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सारे इन्फॉर्मेशन उनको भी मालूम चले।